दुनिया भर के सिखों की श्रद्धा का प्रतीक हरमंदर साहब। जून 1984 में इस श्रद्धा स्थल को खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से खाली कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। 10 दिन तक यहां हुआ घमासान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकरोधी ऑपरेशन माना जाता है। ऑपरेशन का आदेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था और इसकी योजना सेना प्रमुख एएस वैद्य ने बनाई थी। यहां के आतंकियों को खदेड़ने के लिए सेना ने मशीन गन से लेकर टैंक और यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए। आतंकवादियों से यहां निपटना सेना के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी था क्योंकि धार्मिक रूप से ये अति संवेदनशील जगह है। दोनों पक्षों के बीच यहां चले संघर्ष में करीब 500 लोग मारे गए। दमदमी टकसाल का चीफ जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसका दाहिना हाथ रिटायर्ड मेजर जनरल शबेज सिंह भी इसी सैन्य कार्रवाई में 6 जून को मारा गया। ये ऑपरेशन 3 हिस्सों में हुआ, ऑपरेशन मेटल, ऑपरेशन शॉप और ऑपरेशन वुडरोज। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद की कमर तो तोड़ दी लेकिन भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऑपरेशन का बदला लेने के लिए 6 महीने बाद ही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने कर डाली। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगों में हजारों लोग मारे गए। 2 साल बाद आतंकवादी सुखा और जिंदा ने जनरल वैद्य की हत्या कर डाली।